प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कि यदि यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों के बीच में कुछ दूरी है ना, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, तो इस डाइपोल के द्वारा एक्जियल पोजिशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और किसी जनरल पॉइंट पे, किसी पॉइंट जैसे आर्बिट्रेरली पॉइंट पे, मनचाहे बिंदु पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर? तो बाबू, आप लोग लेक्चर लगातार नहीं देखते हैं, उधर 11th भी लेके चल रहे हैं, तो हम लोग कल है ना 20 मई को डालेंगे वेव का तीसरा लेक्चर। ओके, वेव जल्दी से कंप्लीट करके हीट में हाथ लगाएंगे, है ना। तो आप 11th और 12th दोनों लेके चलिए, बहुत जल्द हम एक रूटीन भी फाइनल कर लेंगे कब कौन वीडियो हम भेजेंगे। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं और मन से पढ़िए, और जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन में लिखिए, खराब अच्छा जो भी आपको लग रहा है मेरे बारे में कमेंट दीजिए। आपका कमेंट ही मेरा हौसला बढ़ाएगी, और जितना मेरा हौसला बढ़ाओगे हम उतना ही 1000 गुना से काम करेंगे, जितना एनर्जी मेरा बढ़ाओगे उतना मजा आएगा, है ना। तो आज का टॉपिक दीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, है ना, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड by very small distance, जिसको आप लोग finite distance भी बोल सकते हैं, finite distance, then this system is defined as electric dipole. जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को, है ना, मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए और नेचर में अपोजिट होना चाहिए, मतलब अगर ये -2 कूलम है तो ये +2 कूलम ही होना चाहिए, ये -6 कूलम है तो ये +6 कूलम ही होना चाहिए। मैग्नीट्यूड इक्वल, नेचर अपोजिट, और अगर इसे कुछ दूरी पे प्लेस किया जाए, वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे प्लेस किया जाए, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका जो मिड पॉइंट होगा, है ना, द मिड पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज, मान लो मिड पॉइंट को हम ओ से डिनोट कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट को हम लोग बोलेंगे डाइपोल सेंटर। क्या बोलेंगे? डाइपोल सेंटर। ओके, एंड द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, और जो लाइन दोनों को ज्वाइन कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे, है ना, डाइपोल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? डाइपोल एक्सिस। जो लाइन ज्वाइन करेगा दोनों चार्ज को वो डाइपोल एक्सिस कहलाएगा, और सेंटर को, मिडिल पॉइंट को डाइपोल सेंटर बोलेंगे। मान लो अगर ये डाइपोल है, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो डाइपोल एक्सिस है ये एक्सियल पोजीशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये एक्सियल पोजीशन कहलाएगा, या एक्सियल लाइन कहलाएगा, या अलोंग एक्सिस कहलाएगा, और सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वाटोरियल पोजीशन। कौन पोजीशन? इक्वाटोरियल पोजीशन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर? चलिए नोट कीजिए, ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट है,
ये बस जान लीजिए कि डायपोल का जो एक्सिस होगा अलोंग द एक्सिस वो एक्सियल पोजीशन कहलाएगा और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री पे या इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर? चलिए नोट कर लिए, नेक्स्ट टॉपिक दीजिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात जानना जरूरी है। मान लो डायपोल का एक सिस्टम हो गया इक्वल और अपोजिट चार्ज का, मैग्नीट्यूड इक्वल है और नेचर अपोजिट है, मतलब अगर ये सिस्टम है जिसका नेट चार्ज जीरो होगा, ठीक है नेट चार्ज जीरो होगा, तो आपके मन में होगा कि सर नेट फील्ड भी जीरो होगा डायपोल के द्वारा। नहीं, अगर डायपोल का नेट चार्ज जीरो है, सिस्टम का नेट चार्ज जीरो है, इसका यह मतलब नहीं है कि नेट फील्ड जीरो है, इसका यह मतलब नहीं है। क्योंकि याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले सेक्शन में या इलेक्ट्रिक फोर्स वाले सेक्शन में दो अपोजिट चार्ज है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में तो जीरो नहीं होगा, कहीं दूर जाके जीरो होगा, जीरो हो सकता है कहीं दूर जाके। दैट मीन्स मानो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस प्लस के द्वारा आवे, मान लो इस पॉइंट पे इस डायपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इस प्लस के द्वारा आवे और माइनस के द्वारा क्या होगा, इनवर्स, यानी माइनस का फील्ड अंदर की ओर प्लस का बाहर की ओर, ये दोनों कभी कैंसल आउट नहीं हो सकता है। अगर मान लो ये डायपोल का सेंटर है, डायपोल का सेंटर से ये डिस्टेंस ए और ये डिस्टेंस ए ले लिए, मान लो ये डायपोल का सेंटर है, डायपोल के सेंटर से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसको बोलते हैं डायपोल लेंथ, है मतलब ए प्लस ए टोटल डिस्टेंस जो टू ए है, इस टू ए को हम लोग बोलते हैं डायपोल लेंथ। क्या बोलते हैं? डायपोल लेंथ। तो ए क्या हो जाएगा? डायपोल लेंथ का आधा। अब सेंटर से ये पॉइंट कितना दूरी पे ले लिए? आर दूरी पे ले लिए। तो ध्यान से देखो, ये आर जो है वो ए से बहुत बहुत बड़ा है। सेंटर से जो आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट लिए हैं, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ये बहुत बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नियरली कैंसल हो सकता है, मतलब यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा। कहने का मतलब हो गया कि अगर ये आर ए से बहुत 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 बड़ा हो जाए, नेट चार्ज जीरो है डायपोल के सिस्टम का, तो फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे सेंटर से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल होने का चांस नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से बहुत दूरी पे चला जाए, मतलब वह दूरी डायपोल लेंथ से बहुत 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 बड़ा हो, तो संभावना है कि नियरली कैंसल हो सकता है, जीरो हो सकता है, संभावना है। ठीक है, चलो ये सब तो था एक्स्ट्रा पॉइंट। अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो लगाइए टॉपिक, बिहार बोर्ड सीबीएसई के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इसको पी वेक्टर से लिखते हैं, यह वेक्टर क्वांटिटी होता है, देखिएगा ध्यान से क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है, या इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट या डायपोल मूवमेंट भी बोल सकते हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, एंड सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, जिसको डायपोल लेंथ भी बोल सकते हो, डायपोल लेंथ भी बोल सकते हो, मतलब बोल सकते हो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ
आइदर ऑफ द चार्ज, दोनों में से कोई एक चार्ज लेना है एंड डाइपोल लेंथ। ओके, तो क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज लेंगे, आपका मान प्लस लो या माइनस लो, एंड सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, उस सेपरेशन को क्या बोलेंगे डाइपोल लेंथ बोलेंगे। क्लियर। अगला पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय पी वेक्टर, इसे पी वेक्टर से लिखेंगे। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इसका डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से कहां होगा पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये माइनस चार्ज, इसके सेंटर से थोड़ा अच्छे से बनाइए। ओके, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये मान लो डायपोल सेंटर, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, टोटल डायपोल लेंथ 2a, और ये उसका आधा हो जाएगा डायपोल लेंथ का आधा। तो डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हमेशा होगा फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ऐसा माना गया है, ऐसा कन्वेंशन है। ठीक है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। ओके, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी ऐसा नहीं है। चलिए अभ्यास देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल का उदाहरण क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये सब क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल का उदाहरण है। ओके, चलिए अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, नोट कर लिए, चलिए आगे। ध्यान देखिए, मान लो ये डायपोल है, डायग्राम हम लोग बनाए थे, सेंटर से सेंटर ले लिए, ये डिस्टेंस भी ए और ये डिस्टेंस भी ए है। ठीक है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस, तो डायपोल मोमेंट क्या है आइदर ऑफ द चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज, दोनों में से एक लो एंड सेपरेशन बिटवीन देम। तो मान लो अगर हम सेपरेशन दोनों के बीच का डी ले लिए, वही डी टू ए के बराबर होगा, तो क्यू डी, क्यू और डी का जो प्रोडक्ट होगा, दोनों में से कोई चार्ज दोनों के बीच का सेपरेशन डी लिए हैं, तो क्यू और डी का जो प्रोडक्ट होगा वही होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये हो गया स्केलर फॉर्म में, किस फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, पी वेक्टर, चार्ज तो स्केलर है, और डी हो जाएगा पोजिशन वेक्टर फ्रॉम निगेटिव चार्ज से, है ना, डी पोजिशन वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ऐसा बोल सकते हैं, या पॉइंटिंग फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, या हेडिंग फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के अलॉन्ग इसका हेड होगा, मतलब मोमेंटम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव, तो पोजिशन वेक्टर का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म। इसको हम लोग एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, प्रोडक्ट आइदर ऑफ द चार्ज, दोनों में से कोई एक चार्ज लेंगे और दोनों के बीच का सेपरेशन, तो यहां पे डी किसके बराबर, ए प्लस ए, टू ए, तो टू ए क्यू, ये हमारा कौन फॉर्म हो जाएगा, स्केलर फॉर्म, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या होगा, पी वेक्टर बराबर 2a वेक्टर q, चार्ज तो स्केलर है और ये यहां पे वेक्टर का काम करेगा, एक प्रकार का पोजीशन वेक्टर का काम करेगा, या जिधर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा उधर ही a का डायरेक्शन होगा, ये हमारा हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। क्लियर, जल्दी से नोट करें, वेक्टर फॉर्म ऐसे भी हम लोग बहुत काम किए हैं शुरू से, कूलम्स लॉ से ही वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं,
और ट्वेल्थ के पूरे सिलेबस में यूज होगा, सिर्फ ऑप्टिक्स को छोड़ के। चलिए पॉइंट्स। पहला, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये पॉइंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स ऐसा यूनिट है ना, डाइपोल मोमेंट चार्ज इंटू सेपरेशन, चार्ज को कूलम में या सेपरेशन को मीटर में। इट्स ऐसा यूनिट इज कूलम्ब मीटर, सी बड़ा लिखना एम छोटा लिखना। इट्स ऐसा यूनिट इज कूलम्ब मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज आई टी एल या ए टी एल भी लिख सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखो, डायपोल मोमेंट क्या है? चार्ज इंटू सेपरेशन, चार्ज को कूलम्ब में, डिस्टेंस को मीटर में। ये हो गया एस आई यूनिट। और डायमेंशनल, पी बराबर क्यू डी, चार्ज का डायमेंशन आई टी, डिस्टेंस का एल। क्लियर? चलो एक काम और करो, ये तो ऐसा यूनिट हो गया, इसका सीजीएस यूनिट होता है। सीजीएस यूनिट डी वाई, डी बड़ा लिखो और डी से इसको डिनोट भी करते हैं। ऐसा यूनिट कूलम मीटर और सीजीएस यूनिट डी वाई, डी। और एक डिवाई में 3.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 30 कूलम्ब मीटर होता है। ये बोर्ड वाले एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि डिवाई क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सीजीएस यूनिट और वन डिवाई होता है 3.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 30 सेंटीमीटर, कभी कभी ऑब्जेक्टिव यूज होगा। ओके चलिए चौथा पॉइंट आप जान ही रहे हैं, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसका डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होगा। जल्दी से नोट करो, ठीक है? ये सब बोर्ड में दो नंबर में पूछेगा, तो डिफिनेशन लिख के और ऐसे पॉइंट वाइज लिख देंगे। ओके, तब नंबर मिलता है। अच्छा, जो बच्चे, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे व्हाट्सएप पे भी, मैसेज किए कि सर हम तो सिर्फ बोर्ड का तैयारी करेंगे। तो जो लोग सिर्फ बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, थ्योरी वाला सेक्शन पूरा कीजिए, जो डेरिवेशन वाला है जहां से फॉर्मूला निकालते हैं, डिराइव करते हैं फॉर्मूला, वो पूरा देखिए और इजी न्यूमेरिकल कर लीजिए। अब बाकी जो न्यूमेरिकल लेवल में है उसको छोड़ दीजिए, है ना? बोर्ड वाले स्टूडेंट क्या करोगे, पूरा थ्योरी कर लोगे किसी भी चैप्टर का, डेरिवेशन वाला देख लोगे जहां पे फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करते हैं वो देख लोगे और इजी न्यूमेरिकल कर लोगे, है ना? चलिए अब है ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, या इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, इसी पॉइंट पे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें तीन केस आएगा। केस वन है ऑन एक्सियल पोजीशन अलोंग एक्सिस, या इसी का दूसरा नाम होता है इंड ऑन पोजीशन, है ना? सीबीएसई वाले एग्जाम में दे देता है इंड ऑन पोजीशन पे निकालिए। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इंड ऑन पोजीशन क्या है। तो एक्सियल पोजीशन का दूसरा नाम है इंड ऑन पोजीशन, ठीक है? चलिए ओके, फिर हम लोग दूसरा ले लेंगे ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या उसी को बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन, और तीसरा लेंगे किसी जनरल पॉइंट पे। आज हम लोग को ये जानना है। चलो दनादन देखना शुरू करो। तो मान लो सबसे पहले हम लोग डाइपोल लेंगे, एक निगेटिव चार्ज कुछ दूरी पे, दूसरा पॉजिटिव चार्ज, ये सेंटर, ये मान लो ए डिस्टेंस, ये ए डिस्टेंस, और सेंटर से आर डिस्टेंस पे हम कोई पॉइंट पी लिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, है ना? सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी लिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। देखो प्लस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की ओर। मान लो नाम दे दिए ई टू, प्लस के द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज,
अब इसी पॉइंट पे माइनस चार्ज के द्वारा फील्ड क्या होगा, टुवार्ड्स द चार्ज, है ना। अब इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा, इसके नजदीक है। इस पॉइंट, इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा क्योंकि इससे ये दूर है। तो आप एरो को थोड़ा बड़ा करके दिखाइएगा, सीबीएसई वाले एग्जाम में सब देखता है, है ना। और ई टू बड़ा है, स्वाभाविक है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे बार की ओर ई टू नाम दिए हैं, इससे ये पॉइंट नजदीक है, मतलब यहां से डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। इस चार्ज से पी पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा है तो फील्ड कम होगा, इसको छोटा एरो से दिखाएंगे, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चले ध्यान से, चलो अब मुझे चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो चलो सबसे पहले ई टू निकाल लो, ई टू किसके द्वारा, क्यू के द्वारा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी पॉइंट चार्ज के द्वारा किसी पॉइंट पे किसी दूरी पे, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से ये डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर से है आर और ये है ए, तो ये कितना बचा, आर माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली ई वन माइनस क्यू के द्वारा इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ई वन, तो किसी भी चार्ज के द्वारा प्लस हो या माइनस हो, पॉइंट चार्ज के द्वारा किसी दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से पी पॉइंट कितना दूरी पे है, यहां से सेंटर ए ए, यहां से पॉइंट आर, यानी आर प्लस ए या ए प्लस आर भी लिख सकते हो। ई वन ई टू निकालिए, मुझे क्या चाहिए, नेट फील्ड। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन रहता तो जोड़ देते, अपोजिट है तो घटा देंगे, बड़ा माइनस छोटा, E2 माइनस E1, स्केलर फॉर्म में ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे फिर डायरेक्शन पता चल जाएगा, खुद देखो ना डायरेक्शन क्या होगा। बताओ दोनों फील्ड अपोजिट है, बड़ा कौन है E2, छोटा कौन है E1, यानी नेट वैल्यू तो प्लस आएगा। अब E2 बड़ा है, E1 छोटा, E2 में से E1 घटा रहा है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो तो पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव आएगा मतलब बाहर की ओर होगा, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। चलो इसमें से इसको घटाओगे तो क्या होगा, बताओ ध्यान से, इसमें से इसको घटाओगे तो के क्यू कॉमन हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके नीचे हम लिखते हैं, जल्दी से लिखो, ओके। ध्यान से देखो क्या सब होगा, ई नेट बराबर ई टू माइनस ई वन, के क्यू कॉमन, अंदर में क्या हो जाएगा, वन बाय आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस वन बाय आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, के क्यू कॉमन ले लिए थे, है ना, ई टू में सी वन घटा दिए, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, एलसीएम लेंगे तो एक बार हो जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर। अब दोनों का एलसीएम ये हुआ, अब क्या होगा, आता है ना एलसीएम लेने, चलो अब इसको इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा ये बच जाएगा, मतलब तो जैसे भी सॉल्व करते हो, सॉल्व करोगे तो ऐसा होगा, है ना, ये दोनों का एलसीएम ये हुआ, ऊपर में ये आया सॉल्व करके, चलो सॉल्व कर लोगे, ये एलसीएम लेने पे इतना है। अब ध्यान से देखो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये दोनों को तोड़ोगे तो बचेगा फोर ए आर, तोड़ के देख लो, कटने वाला कट जाएगा, मरने वाला मर जाएगा, तो बचेगा ये दोनों को सॉल्व करके फोर आर, बहुत ही कॉमन चीज है। यहां देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर दोनों पे स्क्वायर है तो ओवरऑल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत लिख सकते हैं के क्यू इंटू टू ए आर इंटू टू, ऐसा क्यों किए, ताकि ये चीज छोटा हो जाए, मतलब ये पूरा टर्म डायपोल मोमेंट में बदल जाए, इसलिए फोर ए आर को लिख दिए, टू ए आर इंटू टू लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब टर्म तो चेंज नहीं हो रहा है। नीचे देखो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का
स्क्वायर। चलो ध्यान से मिटा दी इधर वाला। नेक्स्ट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखो 2AQ डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा 2K, इस 2 को पहले ले आओ 2K, 2 को पहले ले आओ 2K, 2AQ हो जाएगा डायपोल मोमेंट इंटू आर, नीचे जो है रहने दो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ब्रेकेट में लिख दो चूंकि पी बराबर 2AQ, बताया था ना सेपरेशन या डायपोल लेंथ इंटू चार्ज का जो प्रोडक्ट होता है वही डायपोल मोमेंट होता है, तो 2AQ को हम लोग क्या बना लिए पी बना लिए डायपोल मोमेंट बना लिए। अब ध्यान से देखो ए बहुत बहुत छोटा है आर से, ये जो डिस्टेंस है ए इस आर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, चूंकि ए फार फार लेस देन आर इसलिए ए बाई आर फार फार लेस देन वन, ए आर से बहुत बहुत छोटा है मतलब आर के यहां ले आएंगे ए बाई आर का वैल्यू बहुत बहुत छोटा होगा वन से। अब सिंपल सोचो ना कि सेंटर से पी पॉइंट 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है और ये जो डाइपोल लेंथ का आधा है ए ये माइक्रोमीटर में होता है, माइक्रोमीटर मतलब 10^-6, नैनोमीटर में होता है 10^-9, बहुत छोटा हो गया। यहां से हम 1 सेंटीमीटर भी लेंगे तो 1 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में या माइक्रो नैनो बहुत छोटा हो गया ना पी को, या मिली बहुत छोटा हो गया, ओके तो उसको नेगलेक्ट करेंगे। ऐसा लिख सकते हैं कि ए आर से बहुत बहुत छोटा है तो ए वाई आर बहुत बहुत छोटा, ए वाई आर बहुत बहुत छोटा हो जाएगा वन से। चलो आप देखो इसको क्या कर सकते हैं, आंसर तो यहां भी हम लोग छोड़ सकते हैं लेकिन ये चीजें मॉलिक्यूलर स्टडी के लिए वैलिड नहीं है, ओके ध्यान से देखो 2KPR इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू 1-A² बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें कोई अंतर नहीं है, चेक कर लो एलसीएम लो तो आर स्क्वायर आएगा, एलसीएम लोग आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो ऐसा ही नहीं होगा, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, तुम एलसीएम लो तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कट जाएगा ऐसा ही होगा। अब ऐसा करने से क्या होगा ए बाई आर बहुत बहुत छोटा है वन से तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 के करीब हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो 1-0 1 हो जाएगा, यानी अब अगला हमारा क्या होगा सॉल्व होके लाइन अब हो जाएगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना 2KPR बाय ये तो हो गया 0, 1-0 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी बचा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर आर 4, तो एक आर से एक आर गया तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो हो गया 2KP/R3, ओके यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा वो होगा 2KP/R3। हाँ जब चार्ज के बीच का मीडियम या पूरा मतलब जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वो पॉइंट और चार्ज का मीडियम या तो एयर हो या फ्री स्पेस हो, कोई और मीडियम नहीं हो, कोई और मीडियम होगा एयर और फ्री स्पेस के लिए K का वैल्यू क्या लिखते हैं 1/4π0, क्लियर। चलो इसको हम शुरू से लिखते हैं तो लिख लिए होंगे, लिख लिए थे ना, तो ई नेट बराबर हम लिख सकते हैं के जगह 1/4π0 क्या बचा 2P/R3, ऐसा लिखो या इसी को हम लोग के बोलते हैं के 2P/R3 लिखिए दोनों चलेगा ठीक है। लेंथ ऑफ जब एयर और फ्री स्पेस हो, अब मान लो वाटर हो गया कोई और मीडियम हो गया एप्सिलॉन के जगह क्या लिखते हैं एप्सिलॉन है ना, रिलेटिव परमिटिविटी उस मीडियम का लिखते हैं पढ़ाए थे ना। चलो अब ध्यान से देखो डायरेक्शन क्या होगा, तो ई एक्सियल पोजीशन या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे, ऐसे भी लिख सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे है ना, वेक्टर फॉर्म में लिख दो क्या हो जाएगा, क्या लाया है K2P इस फॉर्म में भी लिख सकते हो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो R3 ई वेक्टर तो पी भी वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म हो गया यानी ये स्केलर फॉर्म हो गया जहां सिर्फ मैग्नीट्यूड का पता चल रहा है
ओके, और ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। अब डायग्राम देखिए, E2 बाहर, E1 अंदर। E2 का वैल्यू बड़ा है, नेट वैल्यू प्लस में आया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा, यानी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही डाइपोल मोमेंट होगा। इस सिचुएशन में बोल सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना हो डाइपोल के एक्सिस पे अलोंग एक्सियल पोजीशन पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों के बीच का एंगल जीरो हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलो अब हम लोग केस टू करेंगे। चलो समझ में आया अच्छे से। चलिए अब दनादन देखिए, खुद भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। केस टू क्या है, है ना, ऑन परपेंडिकुलर वाई सेक्टर, या इसी को बोलते हैं इक्वाटोरियल पोजीशन, या इसी को बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। एग्जाम में कोई भी नाम दे सकता है, है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेटोरियल पोजीशन, या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, कोई भी दे सकता है। क्लियर। चलो ये नाम दे दो जल्दी से। अब ले लो ये नेगेटिव चार्ज, उस दूरी पे पॉजिटिव चार्ज, ये डायपोल का सेंटर दिख रहा है अच्छे से, यहां से ये ए डिस्टेंस, सेंटर ओ है, फिर यहां से ये ए डिस्टेंस। अब हमें सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, मान लो ये आर पॉइंट है, यहां पे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये पॉइंट पी है, ठीक है, तो ये दोनों के द्वारा निकालेंगे। तो बताओ प्लस के द्वारा फील्ड क्या होगा यहां पे बाहर की ओर, तो मान लो नाम दे दिए ई टू, किसी भी पॉइंट पे प्लस के द्वारा फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। अब इसी पॉइंट पे माइनस के द्वारा चार्ज क्या होगा, टुवार्ड्स द चार्ज, अंदर की ओर, मालिश का नाम दे दिए E1, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, नाम दे दो कि पॉइंट P है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लाइन है। देखो दोनों का फील्ड इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से वाई एक्सिस से, इस वर्टिकल लाइन से टेढ़ा हो रहा है। क्या बताए थे, जब भी लाइन टेढ़ा होगा तो यहां एंगल बनेगा, जब भी लाइन टेढ़ा होगा तो यहां पे एंगल बनेगा इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ, इस वर्टिकल लाइन के साथ। इवन भी एंगल बनाएगा थीटा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, थीटा एंगल पे हो गया तो इसका दो वैल्यू होगा, थीटा के लॉन्ग हो जाएगा कॉस थीटा, ई टू का एक कंपोनेंट हो जाएगा ई टू कॉस थीटा, थीटा के लॉन्ग कॉस थीटा, परपेंडिकुलर साइन थीटा, इधर ई टू कॉस थीटा, इधर ई टू साइन थीटा, सिमिलरली कोण लड़ली, सिमिलरली ई वन का भी दो वैल्यू, थीटा के लॉन्ग क्या हो जाएगा ई वन कॉस थीटा, समझ में आ रहा है ना, इस ई वन का इस लाइन पे कंपोनेंट होगा ई वन कॉस थीटा, इसके क्या होगा ई वन साइन थीटा, ई वन का थीटा के लॉन्ग ई वन कॉस थीटा, परपेंडिकुलर ई वन साइन। अब ध्यान से देखो कि क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 है वो सेम है, अगर सेम होगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो वाकई में दोनों कैंसिल हो जाएगा। चेक करते हैं, ये A, ये A, R, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस उतना ही होगा, दोनों तो सिमेट्रिक ही है, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, यहां से इक्वल दूरी पे है, पी पॉइंट यहां से जितना दूरी पे है उतना ही दूरी पे यहां से है, मतलब इस चार्ज के द्वारा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू होगा उतना ही ई वन होगा, मतलब ये दोनों वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। और हम लोग क्या करेंगे, जो ई टू का वैल्यू है, जो ई वन का वैल्यू है, उसको ई मान लेंगे, दोनों बराबर है, क्योंकि जो पॉइंट पी है वो चार्ज से सेम दूरी पे है, तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और P पॉइंट का दूरी भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, तो E2 बराबर E1 बराबर E, लेट। अब E1 भी लेके चलेंगे तो अच्छा होगा, E लेके भी चलेंगे तो अच्छा होगा। चलो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, एट पॉइंट P या एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, ये दोनों का सम
अब देखो ध्यान से, E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा दोनों तो सेम है, दोनों की जगह E लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2E sin थीटा, ठीक है। अब E निकाल लो, E क्या होगा, इस चार्ज से ले लो चाहे इस चार्ज से ले लो, किसी भी पॉइंट चार्ज से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूरी पे, के क्यू बट्टा डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बट्टा डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस तो रूट अंडर में है, रूट अंडर का स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर गायब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2E के वैल्यू हो जाएगा के क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा, इस ट्रेंगल में चाहे इस ट्रेंगल में देखो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है बी बाई एच, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रेकेट में, चूंकि साइन थीटा हो जाएगा पी वाई एच, पी का काम करेगा ए, दोनों सिमेट्रिक है, इसमें लो या इसमें लो अथवा बराबर होगा, साइन थीटा पी वाई एच ए बाई एच का काम करेगा ये वाला लाइन, तो ए बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन थीटा का काम कौन करेगा ए बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर, रूट अंडर लिखो या पावर वन बाय टू लिखो बतवा बराबर है, ठीक है। अच्छे से देखो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ठीक है ना, देखो ध्यान से 2 2 a क्यू क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो के और 2 a क्यू क्या बन जाएगा डाइपोल मोमेंट, है ना, यहां ब्रैकेट में लिख भी देंगे चूंकि P बराबर 2aq, है ना 2aq, दोनों के बीच का दूरी 2a, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दोनों में से कोई एक चार्ज सेपरेशन, तो 2aq हो गया P, तो K और 2aq P हो गया। नीचे देखो इसका पावर वन, इसका पावर वन बाय टू, दोनों का बेस में पावर जुड़ जाएगा, कितना होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। अब ध्यान से देखो आर के रिस्पेक्ट में बहुत बहुत छोटा है, ये पी पॉइंट सेंटर से जितना दूरी पे है वो दूरी सेंटर से ए दूरी यानी आर ए से बड़ा है, डैट मीन्स हम ब्रेकेट में लिखेंगे चूंकि ए बहुत बहुत छोटा है आर से, यानी डायपोल लेंथ का जो आधा डिस्टेंस है वो आर से बहुत छोटा है, इसलिए ए बाय आर बहुत बहुत छोटा हो जाएगा वन से, एग्जाम में सब लिखना अच्छे से। अब क्या करेंगे ए का वैल्यू ऐसे भी जीरो हो जाएगा लगभग, बड़ा के सामने छोटा का औकात जीरो, लगभग जीरो, या एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट जीरो नहीं करेंगे बना के करेंगे ना, बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी का चीज है आज का लेक्चर, इनेट केपी, देखो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू वन प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का पावर 3/2, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं बोलो, ऊपर वाला सेम सेम। अब ध्यान से देखो एलसीएम लो, एलसीएम लोगो तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कट जाएगा, यही टर्म में हो जाएगा, पावर उतना ही है, यानी इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे। अब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये ए बाई आर वन से कम है मतलब लगभग लगभग जीरो है, ये जीरो हो जाएगा, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस जीरो वन, वन का पावर कुछ भी रहेगा तो वन ही होगा। चलो अब ये टर्म क्या बन जाएगा जल्दी बोलो, अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा के पी, ये समाप्त पूरा टर्म आर स्क्वायर का पावर 3/2, तो आर स्क्वायर का पावर 3/2 टू से टू कट जाएगा, क्या हो जाएगा आर 3, यही हमारा हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेटोरियल पोजीशन, के जगह क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 पी बाई आर 3, जब पूरा सिस्टम कहां प्लेस हो एयर में या फ्री स्पेस में, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये कौन फॉर्म हो गया, ये स्केलर फॉर्म हो गया, है ना, अच्छे से बनाना नोट, अच्छे से लिखना। अब वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा ई नेट कहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, बोल के पी बाई आर 3, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब एक्सियल पोजीशन पे क्या था, अवे फ्रॉम मतलब प्लस में आया था, बाहर की ओर था, यहां देखो
ये दोनों तो कैंसिल हो गया था, इलेक्ट्रिक बिल कॉस के कारण नहीं आ सकता बी पॉइंट पे, किसके कारण आया, साइन के द्वारा। किधर है, अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इधर निगेटिव एक्स के लोग, मतलब इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। इससे पहले वाला में जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड था उधर ही डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन था, यहाँ पे डायपोल मूवमेंट हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नहीं ऐसा हुआ, मतलब बदल गया, अपोजिट हो गया। यहाँ क्या लगा देंगे माइनस, ये तो वेक्टर हो ही जाएगा। इस माइनस से क्या मतलब हो गया, ये माइनस शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ये कौन फॉर्म हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर, जल्दी से नोट करो, चले आगे, डन है, चलो मजा आ रहा है। अब एक नोट देखेंगे उसके बाद अंतिम है। नोट देखिए, मान लो ये डायपोल है, ये डायपोल का सेंटर है, ये ए, ये भी ए डायपोल का सेंटर ओ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये एक्सियल डिस्टेंस। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था ई एक्सिस, ई एक्सिस कितना था के टू पी बाई आर थ्री, और ई परपेंडिकुलर कितना आया था के पी बाई आर थ्री। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन बराबर टू टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर पोजीशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सियल पोजीशन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का दो गुना है। देखो ना यार, के पी बाय आर थ्री के टू पी बाय आर थ्री इसका दो गुना है, या ये इसका आधा है। ठीक है, जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट केस थ्री देखिए क्या है, है ना, एट एनी पॉइंट, जिसको आर्बिट्रेरी पॉइंट भी बोल सकते हो या जनरल पॉइंट भी बोल सकते हो, कहीं भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यह भी बोर्ड में पूछा जाता है। चलो ध्यान से समझना, मान लो ये हो गया निगेटिव चार्ज, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया सेंटर, सेंटर से आर डिस्टेंस पे हम कोई पॉइंट पी लिए, तो यहां पे चाहिए पहले क्या लिए थे, अलोंग एक्सिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, अब किसी जनरल पॉइंट पे, वो पॉइंट यहां 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 कहीं भी ले सकते हैं, एट एनी पॉइंट जनरल पॉइंट इन स्पेस, कहीं भी स्पेस में पूरे ब्रह्मांड में किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे इस चीज को समझने के लिए, अब इस चीज के द्वारा यहां पे निकालना अगर मान लो मुश्किल लग रहा है तो इसको थोड़ा इजी कर देते हैं। हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, मान लो हम दो डायपोल का कंपोनेंट लेते हैं, मान लो ये पॉइंट पी था, इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल के द्वारा होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों डायपोल के द्वारा यहां पे होगा, क्योंकि ये दोनों डायपोल का वेक्टर एडिशन ही ये डायपोल है, मतलब ये दोनों डायपोल का जो डायपोल मोमेंट होगा, है ना, तो इसको छोटा कर लो या इसको बड़ा कर लो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये दोनों डायपोल का यानी इसका डायपोल मोमेंट और इसका डायपोल मोमेंट का जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो इस डायपोल मोमेंट का वैल्यू होगा, यानी ऐसा करने से कॉन्सेप्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव, तो मान लो निगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P है। अब ये P थीटा एंगल, मतलब ये जो पोजीशन है इस सेंटर से r डिस्टेंस, ये सेंटर से जो r डिस्टेंस लिए हैं वो r डिस्टेंस डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये थीटा क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट थीटा इज मेड इन एंटी क्लॉकवाइज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। ओके, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है, ठीक है ना। चलो अब देखो, अगर ये डायपोल मोमेंट है और ये डायपोल मोमेंट इस लाइन के साथ थीटा बनाया तो इसका दो कंपोनेंट होगा, इस पे कितना होगा जल्दी बोलो, इस पे होगा P cos थीटा, P का इस पे होगा P cos थीटा, थीटा के लॉन्ग cos, परपेंडिकुलर साइन, इस पे क्या होगा साइन, P का इस पे कंपोनेंट P cos थीटा, P sin थीटा, थीटा के लॉन्ग cos, परपेंडिकुलर साइन, क्लियर हो गया। चलो अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये P पॉइंट जो है वो सेंटर से R दूरी पे है। ओके, थोड़ा सा डायग्राम को सही करो, है ना। देखो ध्यान से, अब सही हो गया है ना, ये माइनस ये प्लस। आप बताओ ध्यान से, अगर सेंटर से ये P पॉइंट R डिस्टेंस पे है तो ये जो डायपोल दिख रहा है, क्योंकि ये डायपोल का डायपोल मोमेंट और इस डायपोल मोमेंट का ये रिजल्टेंट वेक्टर है, एडिशन वेक्टर है, यानी ऐसा कॉन्सेप्ट करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब देखो, इस डायपोल के द्वारा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, मान लो नाम हम दे दिए पी वन, नहीं आया गड़बड़ा के। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजिशन पे क्या था, अबे अबे आया था, चलो, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या आया था, अंदर की ओर आया था, अभी केस वन केस टू में देखें। तो ये पी पॉइंट जो है हो गया इस डायपोल के लिए एक्सियल पोजीशन तो ये है, ये डायपोल से पी पॉइंट जो सेंटर से आर दूरी पे है वो कैसा बिहेव कर रहा है, एक्सियल पोजीशन की तरह, और इस डायपोल से ये पी पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। ध्यान से देखो, इस डायपोल से ये P पॉइंट एक्सियल पोजीशन की तरह बिहेव कर रहा है, एक्सियल पोजीशन ही है, और इस डायपोल से ये P पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, मतलब ये जो पॉइंट P है जहां पे इस डायपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो पॉइंट P इसके लिए एक्सियल पोजीशन हो गया इस डायपोल के लिए, इस डायपोल के लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, क्लियर। ओके, तो एक्सियल पोजीशन का डायरेक्शन क्या होता है, इसी लाइन के लॉन्ग, जैसा कि हम केस वन में देखे थे। अब परपेंडिकुलर के डायरेक्शन क्या होता है, देखो ध्यान से, देखो ये माइनस प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हो गया ऐसे, डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऊपर की ओर, मान लो इसका नाम हम E2 दे दिए। ओके, नहीं आया, अरे यार ये डायपोल के द्वारा P पॉइंट एक्सियल का काम कर रहा है, तो एक्सियल पोजीशन पे केस वन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आया था, अबे बाहर की ओर, और केस टू में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के कारण, मतलब ये दोनों चाल, मतलब इस डायपोल के द्वारा पॉइंट P परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रहा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे, और एक्सियल पोजीशन में तो डायपोल मोमेंट भी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, ठीक है। आप ध्यान से देखो, दोनों 90 डिग्री पे है, जब दोनों 90 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, अगर ये दोनों सेम रहता तो बीचों बीच जाता, लेकिन दोनों सेम तो है नहीं, एक एक्सियल है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो कुछ ऐसा जाएगा, ऐसे तो ये एंगल 90 डिग्री है, कुछ ऐसा रिजल्टेंट होगा, मालूम है ना रिजल्टेंट लाइन कैसे लेते हैं,
और इस वेक्टर को उठा के E2 पे रख दो और इनिशियल टू फाइनल मिला दो, या E2 को उठा के E1 पे रख दो, मिला दो, ऐसा कुछ ऐसा ही लाइन जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा लाइन जाएगा। तो मान लो ये E, जो E है क्वेश्चन का, तो K3 का तो लैंग्वेज लिख लिए थे, मिटा दीजिए। जो E है वो क्या है, E1 और E2 का रिजल्टेंट है, और E1 E2 90 डिग्री पे है, E1 E2 का रिजल्टेंट है ये। ठीक है, अब मान लो रिजल्टेंट जो है इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है, क्योंकि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी पूछता है और डायरेक्शन भी पूछता है कि रिजल्टेंट कहाँ है। तो हम बोलेंगे रिजल्टेंट E1 से अल्फा एंगल पे है, या E2 से बीटा एंगल पे है। E2 से बीटा एंगल पे है, मान लो हम इसको बीटा नहीं बोल सकते हैं, कि रिजल्टेंट जो है E1 E2 का रिजल्टेंट जो है वो E1 से अल्फा एंगल पे है, E2 से बीटा एंगल पे है। अल्फा भी निकाल सकते हैं, बीटा भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर डायरेक्शन निकालेंगे, काम समाप्त। चलो क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत? चलिए आप जल्दी से देखिए, तो बताओ E1 क्या होगा। E1 क्या, एक्सियल पोजीशन के कारण, एक्सियल पोजीशन के कारण क्या लाए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड K2P। यहां पे P के रूप में क्या काम कर रहा, P cos थीटा, अरे K2 PY R3 था ना, तो K2 PY R3 रहेगा, लेकिन P के रूप में क्या है, P cos थीटा, तो P cos थीटा हो जाएगा। चलो E2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या लाए थे, KP/R3। तो जनरल के मतलब केस 1 केस 2 में पी था, लेकिन केस 3 में पी के जगह पी cos थीटा है, तो E1 में हम पी cos थीटा लिखेंगे, अब पी के जगह पी sin थीटा है, क्योंकि इस डायपोल के द्वारा, इस डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है वो है पी sin थीटा, और इस डायपोल का डायपोल मोमेंट है पी cos थीटा। तो फार्मूला तो ही रहेगा K2P, बस पी का काम पी cos थीटा करेगा, इस डायपोल का डायपोल मोमेंट पी sin थीटा है, तो KP, तो KP के जगह क्या लिख देंगे, KP sin थीटा। बात आया समझ में? अरे देवकूट साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे था, क्या था, K2P/R3, और परपेंडिकुलर पे क्या था, KP/R3, वही चीज है ना, वहां पे डायपोल मोमेंट पी था, डायपोल मोमेंट पी था, यहां पे डायपोल मोमेंट इसके द्वारा पी cos थीटा है, तो बस पी के जगह पी cos थीटा, और इसके द्वारा पी sin थीटा है, तो पी sin थीटा लिख देंगे। क्लियर है? चलो अब ये दोनों 90 डिग्री पे है, तो नेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, जल्दी बोलो, नेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, रूट अंडर, अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो या किसी एंगल पे हो दो वेक्टर, तो कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, a²b²2ab cos थीटा, और थीटा 90 है तो सिर्फ a और b वाला टर्म बचेगा, मतलब E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर कर लेंगे। चलो दोनों का स्क्वायर करो, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, दोनों 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। वेक्टर को कितना डिटेल से बताया है, लेक्चर नंबर 6 से लेकर 10 में देखिए आप, लेक्चर नंबर 12 देखिए, क्या हो जाएगा, K2P cos थीटा / R3 का स्क्वायर। अब तो डायग्राम से लेना देना नहीं है, मिटा दे, चलो डायग्राम मिटा देते हैं, आप लोग बना लिए होंगे, चलो ओके, प्लस KP sin थीटा / R3 का स्क्वायर। ठीक है, ई अब ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं K2P cos थीटा / R3 प्लस KP sin थीटा / R3। ओके, और स्क्वायर रहने दो, और रूट के बदले हम लोग लिख सकते हैं power 1/2, कुछ नहीं किए, सेम टर्म उतार दिए, रूट का बदले power 1/2 ले लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, KP/R3 दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन निकाल लेंगे, तो ध्यान से देखो हमारा जो E आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, KP/R3 दोनों में कॉमन है, तो KP/R3 आ दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, तो स्क्वायर भी है, KP/R3 का स्क्वायर कर लिए बाहर, अब बचा क्या, अब बचा अंदर में 2 cos थीटा, यहां का 2 cos थीटा का स्क्वायर
प्लस यहां का साइन थीटा का स्क्वायर मिडिल ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब ध्यान से देखो, अब पूरा का पावर 1/2 ही तो था। चलो पूरा का पावर क्या था, 1/2 टू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर पूरा का पावर 1/2, है ना। मामला ही गड़बड़ा जाएगा, छोड़ दूंगे तो। अब ध्यान से देखो 1/2 सब पे लाओ, अगर ये 1/2 इस पे लाओगे तो 1/2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा केपी बाई आर थ्री। ओके चलो अब अंदर में देखो क्या है, इसका काम समाप्त, बाहर निकाल लिए। 2 कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो साइन स्क्वायर थीटा का पावर 1/2 ई बराबर केपी बाई आर थ्री, 4 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का पावर 1/2। दिख रहा है अच्छे से, और ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा 1, तो हमारा ई कितना है केपी बाई आर थ्री, अच्छा 3 कॉस स्क्वायर थीटा पूरा टर्म बचा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और पावर 1/2, 1/2 के बदले रूट लिया, आंसर क्या हो जाएगा 1/3 कॉस स्क्वायर थीटा। यही हमारा आंसर होगा। किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे डायपोल के सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा केपी बाई आर थ्री। ओके और यहां क्या बचा था, ये दोनों 1 हो गया था, 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 1/2 या रूट में ले आओगे। ठीक है तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है चलो अब डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, लिख लिए थे ना इधर वाला, लिख लिए थे डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब डायग्राम देखो, ये किसका डायरेक्शन था E1, ये किसका डायरेक्शन था E1, ये किसका था, ये था E2 और रिजल्टेंट कुछ ऐसा था E। मान लो ये इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा था, हम किसी के रिस्पेक्ट में ले सकते, रिजल्टेंट इसके साथ अल्फा बना रहा हो या रिजल्टेंट इसके साथ बीटा बना रहा हो, कोई भी निकाल सकते हैं, कोई अंतर नहीं। अब देखो अल्फा निकालने के लिए क्या करते हैं, अब ध्यान से देखो इस वेक्टर को उठा के, इस वेक्टर को उठा के यहां रखो, इस वेक्टर को उठा के पैरेलल शिफ्ट आता है ना वेक्टर का, वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट करते, इसको उठा के यहां रखो तो क्या हो जाएगा टेन अल्फा, याद है ना y कंपोनेंट, ये y का काम करेगा x का काम करेगा, हो जाएगा e2 by e1। क्लियर, इसको उठा के यहां रखेंगे e2 by e1 हो जाएगा। चलिए तो tan अल्फा e2 का वैल्यू कितना था kp sin थीटा by r3 by e1 कितना था k2p cos थीटा बाई आर थ्री, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आर थ्री से आर थ्री कट जाएगा, केपी से केपी कट जाएगा। ये समझ में आया कैसे किए, अरे जब भी रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालते हैं तो क्या था फॉर्मूला, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, तो बी का काम कौन कर रहा है E2, ये बी का काम कर रहा है और E1 ए वेक्टर का काम कर रहा है, तो बी साइन थीटा, थीटा 90 है साइन 90 बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ए का काम E1 प्लस बी का काम E2 cos 90, सिर्फ E2 बाई E1 ना, मतलब दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हो, ध्यान रखना दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो tan अल्फा होता है, tan अल्फा होता है दूसरा कंपोनेंट बट्टा जिसके साथ एंगल बन रहा है ना, मतलब ये y कंपोनेंट का काम कर रहा है, यहां पे ये y कंपोनेंट का काम कर रहा है और ये x कंपोनेंट का काम कर रहा है। क्लियर, ऐसे था ना आर पोजीशन, ऐसे था E1 E2 E2 यहां पे क्या था Y और ये X, ऐसे यहां पे ऐसे मान लिया है, आ गया क्या आया tan अल्फा कितना है जल्दी बोलो, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा 1/2 tan थीटा। तो जब भी एंगल पूछे रिजल्टेंट का एंगल तो tan अल्फा होगा 1/2 tan थीटा, तो ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन हो गया। क्लियर है ये सब, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
अरे ये वाला फिर से समझ लो, अगर ये वाला क्लियर नहीं हो पाता लिख ले। ये था ना, ये क्या था E1 और ये क्या था E2, ये रिजल्टेंट था, ये 90 डिग्री पे अल्फा हो गया। ये y का काम कर रहा है और x का काम कर रहा है, इसको उठा के यहां रख दो तो tan अल्फा क्या होता है, y कंपोनेंट और x कंपोनेंट, y का काम E2 और x का काम E1। तो ऐसे भी समझ सकते थे आप लोग, क्लियर है? चलो जल्दी से नोट करो। ओके हो गया नोट, चले आगे। आप देखो क्या है, नोट क्या आया है, किसी जनरल पॉइंट पे स्पेस में किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे मनचाहे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी बोलो, KP/r3 √1+3 cos²θ। अब इसमें देखो नोट हो गया, इसमें हम केस वन लेते हैं, बताओ एक्सियल पोजीशन पे क्या होगा, एक्सियल पोजीशन पे थीटा जीरो हो जाएगा, यानी एक्सियल पोजीशन के लिए थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अब ये देखना इससे दोनों आंसर आ जाएगा, मतलब केस थ्री का हो गया आंसर, केस थ्री से केस वन केस टू दोनों ला सकते हैं। थीटा 0 cos 0 1 1+3 4 का 12 आया 2, आ गया 2KP/r3। ऐसे को लिख सकते हैं K2PY/r3। चलो केस टू क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ई परपेंडिकुलर मतलब थीटा कितना 90 डिग्री, कितना हो जाएगा cos 90 0 पूरा टर्म 0 रूट अंडर ऑन 1 क्या है KP/r3। तो केस 3 कितना ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट है, केस 3 के कारण हम केस 1 केस 2 दोनों जान गए, क्लियर? तो आज का लेक्चर यहीं पे रोकेंगे, अगले लेक्चर में जब डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट टॉर्क क्या होगा और भी सारा पॉइंट देखेंगे। मिलते हैं नई एनर्जी और नए उत्साह से, धन्यवाद।